नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। खबर आ रही है कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत देव ब्रह्मापुर गांव का है, जहां पर लोग सरकारी आवास को लेकर अधिकारियों के यहां चक्कर लगाते हुए नजर आए, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते उन्हें अभी तक कोई भी आवास मुहैया नहीं कराया गया है। एक तरफ जहां पर योगी सरकार का लगातार गरीबों के हित का हवाला देकर बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन वहीं पर जब भोगनीपुर तहसील के एक छोटे से गांव में आवास को लेकर सर्वे की गई तो लोगों ने बताया कि उन्हें अभी तक कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है। सर्वे की गई तो लोगों ने बताया। आगामी 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर योगी सरकार रैलियां कर रही है और विधायक सांसद मिलकर लगातार कहीं कंबल बांट रहे हैं तो कहीं लोगों के साथ मिलकर उनके दुख बांटने को ढोंग नचा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उन्हें लोगों की दिक्कत से कोई भी मतलब नहीं है। जब लोगों को रहने के लिए आवास ही नहीं तो ऐसे में वे कंबल का क्या करेंगे। अब देखना ये होगा कि अधिकारियों की गलती या सरकार की गलती जिसके कारण ग्रामीण को भुगतने को तैयार है। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम बानेश्वर। किस गांव के रहने वाले हो? ग्रामदेव ब्रह्मापुर। ब्रह्मापुर गांव के रहने वाले हैं। तो क्या दिक्कत है आपको यहाँ पे? यहाँ से आपने कोई मकान मिला है, न कोई जगह मिली है। हम लोग सब इसी झुड़िया में रह के अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। ठट्ठर बना रहे, ठट्ठर बना रहे हैं। इस समय सर्दी लगातार पड़ रही कड़ाके की, सब बच्चे सब साहब इसी में पड़े रहे थे, कड़ाके की सर्दी पड़ रही। कहाँ लेटते हैं जरा दिखाइए आप। तो अभी तक आपको कोई लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं मिला। सरकार तो लगातार सबको आवास योजना का लाभ दे रही है, लेकिन यहाँ ग्राम प्रधान जो होते हुए कोई यहाँ कोई देखे सुनना ही नहीं करते साहब से। क्या करते हैं आप? मजदूर आदमी है साहब। तो आपको कोई लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं मिला। अब आप क्या कहना चाहेंगे अधिकारियों से? अधिकारियों से हमको साहब ये कि एक आवास हमको भी दिया जाए, मेरे बाल बच्चे से झोपड़ी तो अलग हो। ये घर आपका है? तो आपको आवास योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला? ना। नहीं मिला। घर में कौन कौन रहता है यहाँ पे? अच्छा, लड़का बहु आदमी सब लोग हैं, लेकिन आपको आवास योजना का लाभ नहीं मिला? ना। तो कैसे सर्दी में काम चल रहा है आपका? खेती बाड़ी कर रहा है। बस खेती बाड़ी से काम चल रहा है, लेकिन सरकार द्वारा लाभ नहीं मिला तुम्हें? खेतवान के 2000 रुपए मिलो है। पक्का घर नहीं मिला? क्या नाम है आपका? हमारा गिरजा देवी। गिरजा देवी, हाँ। किस गांव के रहने वाली हो? देव ब्रह्मापुर के। क्या दिक्कत है आवास आप हमारी ये दिक्कत? छोटे छोटे बच्चे मकान है नहीं सर, हमें कुछ आवास नहीं मिला। तो आपको आवास योजना का लाभ नहीं मिला हुआ? नहीं मिला। तो ग्राम प्रधान से कहा था उस समय क्या आपने? हाँ, कहा था, उन्होंने कुछ लाभ नहीं दिया हमें। तो अब आप क्या चाहती हैं? अब हमें ये चाहते हैं हमें कुछ आवास मिले सर। आवास चाहिए आपको? हाँ। तो सर्दी के मौसम में कैसे काम चल रहा है? बहुत मुश्किल है, दिक्कत है, छोटे छोटे बच्चा धरती में लेट। ये बच्चे आप ही के हैं? हाँ, हमारे हैं सर, 6 लड़की बच्चा हमारा एक है या छोटा था। तो अब आप हमारे चैनल के माध्यम से अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहेंगे कि हमारे कुछ आवास मिले सर, हमारे बच्चों को झोपड़ी एक जरूर मिले, घर मिल जाना चाहिए। हाँ, घर मिल जाना चाहिए, गरीब आदमी सर, हमारे बच्चे छोटे छोटे सर। पति क्या करते हैं आपके? पति हमारे लेबरी को काम करते हैं। तो आपको सर्दी के मौसम में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं? बिल्कुल जी। बाबा जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम संतोष कुमार। संतोष कुमार, किस गाँव के रहने वाले हो? हम बीबनपुर के। तो क्या दिक्कतें आज गांव में हैं? क्या क्या दिक्कतें हैं गांव में? साहब कोई सुनाई नहीं देता, छप्पर खा करके घेरा करता हूँ। छप्पर आप बना रहे हैं? हाँ। तो सर्दी के मौसम किस तरीके से आप लोग रहते हैं यहाँ पर? बस्ता से रह रहे, ठंड तो कोई ना कुछ करने वाला, कोई ना। ठंड से बचाव के लिए आप छप्पर तैयार कर रहे हैं? हाँ। सरकार द्वारा कोई लाभ नहीं मिला आपको? कोई लाभ नहीं मिला। सरकार लगातार आपको आवास योजना का लाभ देने की बात कर रही है, तो आपको लाभ क्यों नहीं मिला? क्या चले जाते लेकिन मिलता कुछ नहीं है। अब क्या कहना चाहेंगे अधिकारियों से? ये कहीं कहना चाहता हमारा बना था कुछ साहब, जब का नाम रहने लग जाए और हमारे दो चार रूम है उनके लिए। आपका दीपू? दीपू किस गांव के रहने वाले हो? ब्रह्मापुर। तो क्या दिक्कत है आवास को लेकर? दिक्कत हमारी हमारी जी है कि सन 2002 से हमारी बीपीएल सूची में नाम है, आज तक मेरी
जब आते जब इंक्वायरी लगवाते हमें तो कोई हमारा वो नहीं होता, ये होता कि तुम्हारा बीपीएल सूची नाम नहीं और पात्र मैं 2002 से हूँ, आज तक मुझे कोई वो नहीं मिला, ये झोपड़ी माँ बाप के साथ मैं रह रहा हूँ और छोटे छोटे बच्चे हैं, सर्दी भी हो गई, अभी पिछले साल आग भी लग गई थी, झोपड़ी सब हो गई थी, कोई लेखपाल भी आया उसने भी कुछ नहीं किया दिया मेरे लिए। 2 साल पहले आग लग गई थी और अभी भी आप झोपड़ी में ही रह रहे हैं? जी जी अभी भी रह रहे, क्या करें, हकीकत की ऐसी मजबूरी है जो कोई सुन नहीं सकते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सभी को पक्के मकान दे रही है। अरे क्या मुख्यमंत्री पक्के मकान उन लोगों को दे रहे, नेता घोटाले लोगों को मिलते, हम लोगों को मिल कहाँ रहे मकान यहाँ पे है, मिल रहे ना कोई इंक्वायरी आ रही, इंक्वायरी आती वहीं से प्रधान लौटा देता है, दे देता पैसे है। ये कौन सा गाँव है? ये देव ब्रह्मापुर है। देव ब्रह्मापुर है जी। प्रधान जी का नाम क्या है? वो प्रधान जी का नाम, वो प्रधान जी का नाम क्या है पापा? है शंकर प्रधान है। लेकिन अब तो मान लो उनकी प्रधानी जा चुकी है क्योंकि बस्ते जमा हो चुके हैं, लेकिन आपको लाभ नहीं मिला हुआ है? कोई लाभ नहीं। अब आप हमारे चैनल के माध्यम से जिले के अधिकारी यहाँ तक कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहेंगे? हम आगे योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ कर मेरी विनती है कि मेरा एक बार इंक्वायरी की जाए, अगर मैं इस चीज का पात्र हूँ तो मेरे को दिया जाए, अन्यथा मेरे को ना दिया। आपको आवास योजना लाभ मिलना चाहिए। जी लाभ मिलना चाहिए। क्या बच्चे हैं आपके? हमारे 4 बच्चे हैं। ये आपकी पत्नी है? जी मेरी पत्नी है और इसी झोपड़ी में रह रहा हूँ, मुझे 12 साल हो गए। क्या नाम है आपका? सुमन जी, ये बताइएगा कि क्या कहना चाहेंगे आवास को लेकर, आप अधिकारियों से या मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे भैया कि जैसे हम लोग रह रहे हैं तैसे हम लोग का कुछ मदद मिले। तो आपको आवास योजना की जरूरत है? जी। अरे सर्दी के मौसम में कैसे काम चल रहा है आप लोगों का? क्या करें साहब, मकान नाम है आपका? राम बेटी। कहाँ ग्रान वाली हो? देव ब्रह्मापुर। तो क्या दिक्कत है आपको? मकान में परवेक नहीं है और काम जाए बरसात में बताओ। अरे तो केंद्र सरकार मतलब मोदी और योगी सरकार लगातार गरीबों को पक्के मकान दे रही है, तो आपको लाभ मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। तो कई लोग रहते हो यहाँ पे? दो भाई लड़का है, दो नाती हैं, दो जने हैं। तो आपको लाभ नहीं मिला? कुछ नहीं मिलो साहब, कुछ नहीं मिलूगा कुछ। सीवर इतनी मिली है बस। सीवर मिली थी? हाँ। और कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिले। ये घर आप ही का है? हाँ। जिसमें ये पक्का मकान बना हुआ है तुम्हारा कमरा, तो लिंटर काई नहीं पड़वाया इसमें? राम है बट्टा तो हाथ पाँच चलन नहीं है दो जनन के, और लड़का मैं छोटे छोटे हैं भाई। लेकिन अभी आपके लिंटर नहीं पड़ पाया ना, बड़ी दिक्कतें हैं आपको। हाँ। क्या कहोगी मैं अधिकारियों से? यही कहें कि आए हैं तो कहें देखो परिषद में परे हैं भैया, हमारे पास कुछ साधन नहीं है, हम क्या करें। तुम्हें आवास है? मिलना चाहिए हमें। और क्या दिक्कत है? राशन वासन मिलता है? राशन साहब मिला था। अच्छा। हाँ, पेंशन वेंशन मिलती है आपको? नहीं मिला था। कितनी उम्र है आपकी? तुम्हारी समझ ले माई 60 साल आता हूँ, माई यही है। अच्छा, लेकिन आपको किसी तरीके से सुविधाओं लाभ नहीं मिल रहा, पेंशन भी नहीं मिल पाई है? इंडियन प्राइम न्यूज से संवाददाता जंग बहादुर की खास रिपोर्ट।